नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में युवक कांग्रेस ने नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। जरीपटकर क्षेत्र के जिंजर मॉल में महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष कुणाल राउत के नेतृत्व में और इस आंदोलन में प्रदेश महासचिव अजीत सिंह और सचिव आसिफ शेख के साथ युवाओं ने बेरोजगार रैली में पकौड़े तलकर अनोखा आंदोलन किया। देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा कर सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में यह वादा पूरा नहीं किया। रोजगार पैदा करना तो दूर था, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई। कुणाल राउत ने कहा कि युवाओं के सपने को चकनाचूर करने और उनके भविष्य को काला करने वाली मोदी सरकार के विरोध में आज इस आंदोलन का आयोजन किया गया है। रोजगार देने के मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है और केंद्र की भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों ने बेरोजगारी बढ़ाने में योगदान दिया है। उनकी गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि मोदी और भाजपा पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़ा तलना, चाय की दुकान लगाना और जूते पॉलिश कराना चाहती है। बेरोजगारी के खिलाफ इस आंदोलन में मुख्य रूप से रत्नाकर जयपुरकर, ठाकुर जग्यासी, सुरेश जग्यासी, सुरेश पाटिल, मूलचंद मेहर, दिनेश यादव, नेहा निकोसे, सतीश पाली, हीरा गेडाम, विजया हजारे, गौतम अंबादी, चेतन मेश्राम, ज्योति खोबरागड़े, नीलेश खोबरागड़े, सचिन वास्तिक समेत बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसमें वो पूरे तरीके से विफल रहे। और आज उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि भैया पकौड़े तल के भी एक बड़ा रोजगार पैदा हो सकता है, लेकिन आज पकौड़े तलने के लिए भी जो कहते तेल होना चाहिए, प्याज होना चाहिए, गैस होना चाहिए, वो सब महंगी हो गई। आज पकौड़े तलने का व्यवसाय भी लोगों से छूट चुका है और लोग कहते उस व्यवसाय से भी वंचित हो चुके हैं। और मोदी सरकार की ऐसी बेरोजगार कहते महंगाई की बढ़ती रहेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि देश से बेरोजगार यानी युवा और बेरोजगार हो जाएगा, जिससे रोजगार का कोई वो नहीं रहेगा। 200 रुपए का चंदा किए पब्लिक से, पब्लिक ने 200 रुपए का चंदा देके हमने 155 रुपए का 1 लीटर तेल लिए और 1 लीटर तेल लेके यहाँ पे हमने 8 पकोड़े बेचे और पकोड़े बेच के जो कमाई होंगी उससे हम अपना कहते यानी देश को दिखाना चाहते हैं और समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे यानी आज रोजगार कहते तेल आज कहते हैं रोजगार लेने के लिए भी कितने मकसद करना पड़ता है। आज पहले 155 रुपए का तेल, प्याज, कहते बेसन, ये सब चीज लाने के लिए भी पैसा लगता है और कमाई होगी कि नहीं होगी उसका कोई गारंटी नहीं। मैं दिनेश यादव, मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। 2012 में ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद में मैंने MPSC की तैयारी शुरू की, जिसमें 2 साल में लाइब्रेरी में बैठा। 2014 में जिस समय मोदी सरकार यहाँ पर आई उस समय से आज तक ना ही सेंट्रल की ना स्टेट की कोई भी रोजगार निकला नहीं है। आज हमने लाइब्रेरी में 5-5 साल बिताए हैं परंतु आज कोई भी केंद्र सरकार द्वारा एक भी रोजगार नहीं है। आज हमारी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ना हमारे कोई बिजनेस है, ना हमारा नौकरी है, ना हमको कोई रोजगार है, जिसकी वजह से कई मेरे साथ के युवा आज बेरोजगार पड़े हुए हैं जिनकी आज तक शादियाँ नहीं हुई। तो मेरा इनसे मोदी जी से यही कहना है कि आपने शादी नहीं की, आपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, परंतु जो बच्चे आज पढ़ लिख के नौकरी मांग रहे हैं, ग्रेजुएट हुए, उनके लिए तो कम से कम रोजगार दो। आज 17 सप्टेंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस, या वाढदिवसानिमित्त आम्ही नरेंद्र मोदींना हे सांगू इच्छितो की तुम्ही जेव्हा सरकारमध्ये येण्याचा लोकांना आश्वासन देत होते तेव्हा लोकांना सांगत होते की आम्ही प्रत्येक वर्षी 2 करोड़ रोजगार युवकांना उपलब्ध करून देऊ, पण जेव्हापासून नरेंद्र मोदी सरकार हे सत्तेमध्ये आले तर तेव्हापासून नरेंद्र मोदींनी आपल्या 2 करोड़ युवकांना रोजगार देण्याचा जो त्यांचा वायदा होता तो विसरला आणि ते आपलेच काम करू लागले। आज देशातील युवकांची इतकी बिकट स्थिती आहे की प्रत्येक युवक हा बेरोजगार आहे आणि तो गुन्हेगारीकडे वळत आहे। तरी मी नरेंद्र मोदींना आपल्या माध्यमातून आणि या युवक काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून ही विनंती करतो की त्यांनी युवकांच्या प्रश्नावर समोर यावं व देशातील युवकांना रोजगार देण्यासाठी आपल्या सरकारने प्रयत्न करावे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।